हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज हम गॉस एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। गॉस एलिमिनेशन मेथड का वर्किंग रूल सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। a1x plus b1y plus c1z equals to d1, ये हमारी पहली इक्वेशन है। ऐसे ही हमने दो इक्वेशंस और लिए तो कुल मिलाकर हमारे पास तीन इक्वेशन है। फ्रेंड्स, तीन इक्वेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है कोएफिशिएंट्स का, उनसे हमारी 3x3 के मैट्रिक्स बनेगी। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहला जो स्टेप है वो है राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स इन अ मैट्रिक्स। आपको उन इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स को एक जगह पे लिख लेना है, एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। तो देखिए, एक्स का कोएफिशिएंट a1 है तो a1, फिर वाई का कोएफिशिएंट b1 है एंड जेड का c1। हमने सिर्फ लेफ्ट साइड के पार्ट को ही रखना होगा क्योंकि एक्स वाई जेड ही तीन ही वेरिएबल्स हैं, तो उनके कोएफिशिएंट ये होंगे। इस मैट्रिक्स को हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। सेकंड स्टेप है राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर गिवन सिस्टम। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें जो राइट साइड कॉन्स्टेंट का पार्ट है हम उसको इसमें इंक्लूड करते हैं इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ, तो हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाती है। तो देखिए, यहाँ पे a1 b1 c1 ये हमारा जितना पार्ट है ये कोएफिशिएंट का है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का। इसमें हमने ये राइट साइड वाला पार्ट इंक्लूड कर दिया, d1 d2 d3। आप इसको ऐसे लाइन देकर दिखा सकते हैं कि ये अलग अलग है। थर्ड स्टेप है ट्रांसफॉर्म ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इंटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म और इक्विलन फॉर्म बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो फ्रेंड्स, जो आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आई है उसको आपको बदलना होगा अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में या इक्विलन फॉर्म में, जिसके लिए आप ऑपरेशंस यूज करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। देन लास्ट स्टेप है आपको अप्लाई करना होगा बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फ्रेंड्स, ये चारों ही मेथड आपने यूज करना है गॉस एलिमिनेशन के क्वेश्चन को करने में। आप देखते हैं अपर ट्रायंगुलर फॉर्म एंड इक्विलन फॉर्म क्या है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर में ही बदल सकते हैं और इक्विलन फॉर्म में ही बदल सकते हैं। जहां पर ए आई जे एलिमेंट जीरो होगा, और वो जीरो कब होगा? जहां जहां आई मेरा बड़ा है जे के। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आई बड़ा होगा जे के। आई है रो, जे है कॉलम, यहां पे 2 रहेगा और 1 रहेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसलिए यहां पे एलिमेंट जीरो है। बाकी एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। इक्विलन फॉर्म भी सेम वैसा ही है, आई जहाँ पर बड़ा होगा जे के वहाँ पर आपने जीरो लगाना है, लेकिन जो इक्विलन फॉर्म में लीडिंग डायगोनल होता है वो हमेशा 1 होगा, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा यूनिट रहेगी। अब हम देखते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। फर्स्ट है स्वैपिंग 2 रोज। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में आपको, आप पहला टाइप जो देख रहे हो वो है स्वैप करने का 2 रो को। स्वैप मतलब बदल देना, या आप इसे इंटरचेंज भी कह सकते हैं, इंटरचेंज इन 2 रोज। सेकंड टाइप है मल्टीप्लाइंग अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर। थर्ड है एडिंग अ मल्टीपल ऑफ 1 रो टू अनदर रो। सेकंड वाली टाइप में हम मल्टीप्लाई करेंगे एक रो को एक ऐसे नंबर से जो जीरो नहीं होगा। थर्ड टाइप में हम एक नंबर को ऐड करेंगे एक मैट्रिक्स के मल्टीपल से। तो ये फ्रेंड्स हमारे 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के टाइप्स हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड से। अब क्वेश्चन देखते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड से हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ये 3 इक्वेशन हमें गिवन है। सबसे पहला स्टेप है वी राइट द कोएफिशिएंट फॉर्म फॉर द गिवन सिस्टम एज। हम इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए, एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट है वो हमने मैट्रिक्स में लिख लिया है, रख लिया है 2 1 1 1 -1 -1 1 2 1। नाउ वी राइट द ऑगमेंटेड फॉर्म फॉर द गिवन सिस्टम एज। अब हम उस मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड में था कॉन्स्टेंट 3 0 0 उसको यहाँ इंक्लूड कर देंगे।
अब फ्रेंड्स हम इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारे पास दो तरह की फॉर्म है, एक है इक्विलिन फॉर्म, सेकेंड है ट्रायंगुलर फॉर्म, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। तो इन दोनों में से हम किसी एक में बदलेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को। तो यहाँ पर मैं अभी इक्विलिन फॉर्म का यूज़ कर रही हूँ। तो उसमें सबसे पहले जो एलिमेंट होता है रो वन में, वो हमें वन चाहिए होता है। तो इसको वन बनाने के लिए हम रो वन रो टू को इंटरचेंज कर रहे हैं रो वन के साथ। तो अप्लाइंग रो वन इंटरचेंज टू रो टू, तो ये इंटरचेंज का साइन है। ये अप्लाई करने के बाद मेरी जो रो टू है वो रो वन हो जाएगी, रो वन रो टू हो जाएगी। सेकेंड ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं। अब मुझे इस एलिमेंट को ज़ीरो बनाना है। इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में मेरे को हमें इन एलिमेंट्स को ज़ीरो करना है। इनको ज़ीरो करने के लिए यहाँ टू है, जब भी आपका ये ऊपर वन होगा तो आप उसका ही यूज़ कीजिए इसको ज़ीरो बनाने में। कैसे? R2 टू चेंज टू आर टू माइनस टू टाइम्स ऑफ आर वन। इसको देखते हैं ये कैसे होगा। R2 में चेंज करना है, हमें जो चेंज चाहिए वो यहाँ पे R2 में चाहिए, या हमें ज़ीरो चाहिए। तो ज़ीरो ये कैसे हो सकता है? R2 का जो एलिमेंट है वो है टू माइनस टू टाइम्स ऑफ आर वन, ये एलिमेंट है वन। वी गेट टू माइनस टू इंटू वन टू ज़ीरो। तो हमें एलिमेंट मिला ज़ीरो, ये एलिमेंट मेरा ज़ीरो हो गया। अब इसको ज़ीरो करने के बाद आपको सारे ही एलिमेंट्स को चेंज करना होगा, क्योंकि अप्लाई वो पूरी रो में हो रहा है। ऐसे ही वन माइनस टू टाइम्स ऑफ आर वन, तो ये एलिमेंट हो गया वन माइ प्लस टू थ्री। तो यहाँ पे देखिए मेरा एलिमेंट थ्री हो गया है। थर्ड केस है इसमें वन माइनस टू टाइम्स ऑफ माइनस वन, एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे भी एलिमेंट थ्री हो गया, क्योंकि दोनों ही सेम ही है, तो थ्री हो गया। इस केस में मेरा ये थ्री ही आएगा। तो ऐसे मेरे रो टू के एलिमेंट्स चेंज हो गए हैं, जिसमें मुझे पहला एलिमेंट ज़ीरो चाहिए था, ज़ीरो हमें मिल गया है। अब मुझे इसको ज़ीरो बनाना होगा। तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए भी हम इसकी हेल्प लेंगे। वन में से वन माइनस कर दे तो ज़ीरो मिल जाएगा। चेंज किस में होगा? रो थ्री में चेंज होगा। तो इसमें अप्लाई करते हैं आर थ्री चेंज टू आर थ्री माइनस आर वन। अप्लाई करने पर वी गेट वन माइनस वन ज़ीरो, टू माइनस माइनस वन, तो वो ऐड हो जाएंगे थ्री, वन माइनस माइनस वन टू हो जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो हमारा ज़ीरो ही रहेगा। तो ये अप्लाई करने पर हमें ये मैट्रिक्स मिला। यहाँ के दो एलिमेंट्स तो ज़ीरो हो गए। अब इसकी बारी है, इसे ज़ीरो करते हैं। इसे ज़ीरो करने के लिए हम इसके ऊपर वाले का यूज़ करेंगे। देखिए थ्री माइनस थ्री, हम इसका यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों में इसकी वजह से कोई चेंज नहीं आएगा ज़ीरो में। अगर हम ऊपर की हेल्प से करेंगे तो हो तो सकता है, लेकिन ये एलिमेंट फिर मेरा नॉन ज़ीरो हो जाएगा। तो अप्लाई आर थ्री चेंज टू आर थ्री माइनस आर टू, तो हमने माइनस किया, हमें डायरेक्ट ज़ीरो मिल गया। टू माइनस थ्री माइनस वन, ज़ीरो माइनस थ्री माइनस थ्री। तो फ्रेंड्स ये मेरी मैट्रिक्स आ गई है, जिसमें मैंने इन एलिमेंट्स को ज़ीरो कर दिया है। अब इसमें अप्लाई करेंगे बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो सबसे नीचे हमारी रो है उसमें माइनस वन और माइनस थ्री बचा है। माइनस वन ये जो कोएफिशिएंट्स थे ये एक्स वाई जेड का है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस वन जेड इक्वल्स टू माइनस थ्री, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट पार्ट था, इनको इक्वल में रख लिया है, तो ये हमारा थ्री हो गया। माइनस माइनस कैंसिल। अब सेकेंड रो देखिए, ये मेरा y वाला कोफिशियंट है, 3y प्लस 3z इज इक्वल्स टू
3. अब इसमें ये पुट कीजिए तो z इक्वल्स टू हमने 3 रखा, 3 रखने पर वी गेट 9, 3y प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 3, 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 3, 3y इक्वल्स टू 3 माइनस 9, ये यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ जाके राइट में जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 6 हमें मिला, देन y इक्वल्स टू माइनस 6 बाय 3, वी गेट y इक्वल्स टू माइनस 2, रो 1 हम यूज करेंगे, तो देखिए 1x माइनस 1y माइनस 1z इक्वल्स टू 0, हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई है, z की वैल्यू भी आ गई है, तो वो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं. सॉल्व करके हमें वैल्यू x इक्वल्स टू 1 मिला. तो फ्रेंड्स हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू माइनस 2 एंड z इक्वल्स टू 3. अब देखिए जो हमारी ये वैल्यूज आई है हम उन्हें कैसे चेक करें कि ये ट्रू वैल्यूज है, तो देखते हैं इसके लिए. फ्रेंड्स वैल्यूज चेक करने के लिए आप एक्स वाई जेड की वैल्यू इन तीनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कीजिए. तो अगर आपका एल एच एस पार्ट सॉल्व करके आर एच एस के इक्वल आता है, इसका मतलब आपकी एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू सही आई है. तो हम देखते हैं कैसे आपको फाइंड आउट करना है. हमने पहली इक्वेशन यूज़ करी तो उसका एल एच एस पार्ट मेरा ये है. अब पुट करने पर x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू तो फ्रेंड्स x, y, z की वैल्यू पुट करने पर एल एच एस साइड में हमें 3 मिला, इसका मतलब हमारी जो वैल्यूज आई है वो ट्रू वैल्यूज हैं. अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें. थैंक यू.